नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। डोईवाला में बीडीसी बैठक का हुआ आयोजन, ग्राम प्रधानों ने अधिकारियों पर कार्य न करने का लगाया आरोप। 30 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर राजधानी देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत की अध्यक्षता में हुई बैठक, कहा गृह मंत्री की जनसभा को देंगे विशाल जनसभा का रूप। केदारनाथ धाम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खूब झूमे बाबा केदार के दर पर, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो। राजधानी देहरादून में बदलते मौसम के साथ बच्चों में वायरल संक्रमण बढ़ने का हुआ खतरा, दून अस्पताल के बाल रोग विभाग में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 200। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में डीएलएड एनआईओएस प्रशिक्षित बेरोजगारों ने किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन, प्रदेश सरकार के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। प्रदेश के युवाओं को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने देहरादून में किया सचिवालय कूच, पुलिस द्वारा रोके जाने पर किया धरना प्रदर्शन। चंपावत में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का कार्य बहिष्कार 26वें दिन भी रहा जारी, कहा आंदोलन की अनदेखी सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में पड़ेगी भारी। मसूरी में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में उत्तराखंड ने पाया पहला स्थान, खिलाड़ियों में दौड़ी खुशी की लहर। रुड़की में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अब बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटी, मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा आने वाले चुनाव में कांग्रेस होगी और अधिक मजबूत। राजधानी देहरादून में गढ़ी कैंट विधायक हरबंस कपूर ने रात 12 बजे किया क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण, ठेकेदार को रात में बुलाकर लगाई फटकार। उत्तराखंड में सियासी अटकलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का बड़ा बयान, कहा जो नेता उनके साथ भाजपा में आए हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साधा विजय बहुगुणा पर निशाना, कहा कांग्रेस तो अब शायद उनको लेगी ही नहीं। पिनाहट में डेंगू से 2 बच्चों की मौत, आगरा में डेंगू मरीजों की संख्या 500 के पार। आगरा में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भरी हुंकार, सरकार बनने पर बिजली के पुराने बिल माफ, नए होंगे हाफ की करी घोषणा। सपा सुभाषपा गठबंधन पर पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा प्रदेश की खुशहाली और बदलाव के लिए आए साथ, भाजपा का पूरी तरह से होगा सफाया। गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास, कहा हमने रामलला हम आएंगे नारे को किया पूरा। प्रतापगढ़ में शिक्षक नेता शोभनाथ मिश्रा हत्याकांड में 2 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 5 को आजीवन कारावास की सजा। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर 30 नए थाने खोलने की हो रही कवायद, चुनाव से पहले मिल सकती है मंजूरी। 2022 विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ेगा जनसत्ता दल, पार्टी अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह ने कहा हाथ काटने वाले किसान नहीं हो सकते। और 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से कमल खिलाने के लिए रोड मैप तैयार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 29 अक्टूबर से होंगे उत्तर प्रदेश के दौरे पर। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।